सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। लफड़ा हो गया गाइज, लफड़ा लफड़ा लफड़ा। अभी मेरे को ऐसा लगने लगा है ना भाई, मैं हॉटस्टार नेटफ्लिक्स ये सब का सब्सक्रिप्शन छोड़ के इंस्टाग्राम का सब्सक्रिप्शन ले लूँ। अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि इंस्टाग्राम वालों को ना एक ऐसा फीचर निकालना चाहिए कि अगर कोई लफड़ा हो गया ना, नोटिफिकेशन सबको जाना चाहिए, सबको सबको वो सबको जाना चाहिए भाई। इंस्टा में क्या मजा आ रहा है। तो वीडियो का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लफड़ा। लफड़े में कौन कौन है? अपना राजवीर सिसोदिया भाई और रजत दलाल जी। तो क्या सीन है, जितना मेरे को पता है, क्योंकि 100% कॉन्टेक्स्ट मुझे भी नहीं पता है। तो क्या सीन हुआ, राजवीर भाई ने कुछ तो बोल दिया था कि गांड में चुल्ली उठ रही है ना बदमाश बनने की, सोशल मीडिया का या रियल लाइफ का। भाई चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पर दिखती है ऐसे होती नहीं है, ठीक। और पुलिस के दो पट्टे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। पहले अपना बिगाड़ तो देखो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते, तुम्हारे पीछे कौन है, कोई तुम्हारा कुछ जुगाड़ नहीं। जाके तुम किसी की हवाबाजी देख कर तुम भी गर्म खून दिखाओगी, हम में भी गर्म खून, हम भी लड़ेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं। रजत भाई को उससे प्रॉब्लम हो गया और वहां पे हो गया पंगा, मतलब लफड़ा। तो मुझे फील हो रहा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की मेरे से खुजा मच रही है, उनको बहुत चीज लग रही है, उनको बहुत किलस मच रही है। Who gives a fuck? सारे भाई कभी कभी टीका लगा लिया करो, दिमाग में शांति मिलती है, ठीक है। गंवारों की और कमजोरों की पहचान बताऊं, उन्हें चीजें सुनने और समझने से पहले रिएक्ट करने की जल्दी होती है। अभी इतना था कॉन्टेक्स्ट। अभी मैं थोड़ा बहुत जो नहीं जानते हैं राजवीर सिसोदिया और रजत दलाल को, मैं थोड़ा बहुत छोटा छोटा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। राजवीर सिसोदिया जो है उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, उनसे मैं आज थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग आते हैं, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत बॉडी है, थोड़ा बहुत बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, इनसे इंस्पायर होकर सीरियसली जिम जाना चालू किया। राजवीर सिसोदिया 9 महीने जेल में रह के आए हैं और वो फेक केस के कारण, वो सबको पता है, फिर भी मैं अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। और फिर आता है रजत दलाल, मतलब कंट्रोवर्सी का बाप है वो, उसका सोशल मीडिया चलता है कंट्रोवर्सी के थ्रू। कुछ दिन पहले हुआ था सिंघा भाई के साथ, उसके बाद हुआ अपना ये मैक्सटन और उनको मिलाया बगचौदी लाइव का नंगा नाच करके। इसके बाद अभी आया जब मेन लोग के साथ पंगा हुआ ना राजवीर सिसोदिया सर के साथ, तब हुआ असली लफड़ा। वो दोनों ने जब वीडियो बना दिया ना, उसके बाद चालू हुआ लाइफ का नंगा नाच। यहाँ से राजवीर लाइव जा रहे हैं, यहाँ पे रजत दलाल लाइव जा रहे हैं, यहाँ पे वो लाइव जाके गाली दे रहे हैं, यहाँ पे वो जगह लाइव में जाके गाली दे रहे हैं। मतलब माँ चोट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भी मिट चल रहा है, दोनों का अलग अलग चल रहा है। इसके बाद हाथापाई पे पंगा हो गया कि भाई तू आजा मैं देख लेगा, जैसे हम लोग बच्चे नहीं करते कि भाई तू आजा मैं घर के पास आजा तेरे को देख लूंगा, ये भी बोल रहा तू घर के पास आजा मैं देख लूंगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, राजवीर भाई यहाँ से वहां जा रहे इसको ढूंढने के, ये यहाँ से वहां जा रहे उसको एड्रेस दे रहा है, ये वापस यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, मतलब ये चल रहा है, क्या बोलते हो, रॉयल रंबल चल रहा है भाई। वो चुप्पन चुप्पन नहीं करते, ये छुपके वहां जा रहा है, ये छुपके वहां जा रहा है, इसको वो छूने जा रहा है, ये इसको छूने जा रहा है, भाई बहुत कंफ्यूजन चल रहा है भाई। मतलब क्या ही बताऊं, ऐसा मजा आ रहा है ना, मेरे को तो लग रहा है भाई मस्त ऐसा लाइव आ जाते थोड़ा देर में बाद, ऐसा फोन को सामने रखो, इंस्टाग्राम ऑन करो, ऐसे बैठो शांति से पॉपकॉर्न लेके, फिर पॉपकॉर्न खाओ और लाइव देखो, दोनों का लाइव सामने सामने लगा रखो, मजा दी लाइफ भाई। नहीं चाहिए आपको हॉटस्टार, नहीं चाहिए आपको नेटफ्लिक्स। अभी मैं बताता हूँ, मैं सच बताता हूँ ना, इंस्टाग्राम वालों को ना इसके लिए पैसा चार्ज करना चाहिए भाई। कोई भी बंदा आ रहा है पंगा कर रहा है और मजा तो हमको आ रहा है, अलग बात है। कुछ दिन पहले देखो भाई कितने सारे पंगे गए साल में, एक तो बंदा है वो, उसका क्या नाम भी याद नहीं रहता यार, वो बेंडोरो वाला, हाँ मैं ये वाला नाम मेरे को याद नहीं है, इसका तो हर दिन पंगा रहता है किसी न किसी के साथ, वो तो चलता रहता है। इसका इंस्टाग्राम बैन हो गया, इसके बाद यूट्यूब बैन हो गया, ये हो गया वो हो गया। इसके बाद आता है अपना मैक्सटन भाई, वो तो कॉन्ट्रोवर्सी का पापा है, और उसके पापा का दादा तो भाई ये बंदा है एलविश यादव, वो दादा है, दादा परदादा है, वो कॉन्ट्रोवर्सी के थ्रू ही उठा था, वो याद है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ये इंसान था जो चालू किया था, उसके बाद अभी ये चालू। और मेरे एक सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है, ये जितने भी इंस्टाग्राम का लफड़े होते हैं वो सब गाड़ी पे क्यों होते हैं? मतलब बाइक पे भी हो सकता है, कहीं पे बैठ के लाइव पे जा सकता है, लेकिन नहीं,
गाड़ी पे लाइफ देने का क्या मतलब है, मेरे को ये ही समझा दो यार, प्लीज कोई समझा दो यार। मैं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम वालों को इसका फीचर लाना चाहिए, सबको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। भाई लाइफ चले गए, क्या बात कर रहे हैं, सही में भाई आप वीडियो को एंड तक देख लिया, हो गया काम, इतने थे वीडियो, आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके जाना, वापस लाइव चालू हो गया, मैं चलता हूँ लाइव देखना, चलो बाय बाय।